मेरे चैनल में मैं दीक्षा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गोरी त्वचा कैसे पा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी की मदद से। पर इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मुल्तानी मिट्टी एक इजीली अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा कॉमन मार्केट में मिलने वाली चीज है। मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसी के साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और स्किन वाइटनिंग तत्व भी होते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन को ठंडक देता है, इसलिए आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुल्तानी मिट्टी को शामिल किया जाता है। तो क्यों ना हम नेचुरल मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करके हमारी त्वचा को गोरा बनाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखते हैं पहला उपाय। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आप एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा रोज वाटर मिलाकर इसका एक मिश्रण बना लीजिए। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाकर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। इस उपाय को आप हफ्ते में एक या दो बार जरूर करें, क्योंकि नींबू में विटामिन सी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और रोज वाटर में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को टोन करता है। इसके वजह से आपको ये फेस पैक जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के लिए फायदेमंद बहुत सारे गुणों से भरा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा उपाय। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो दिखे तो आप 4 इंग्रेडिएंट्स की मदद से ये पा सकते हैं। इसलिए आपको एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा चम्मच चंदन पाउडर, चुटकी भर हल्दी और टमाटर का रस मिलाकर इसका एक फेस पैक बना लेना है। चंदन में स्किन व्हाइटनिंग और स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपके स्किन के पिंपल्स को, दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है। उसी के साथ हमने इसमें टमाटर का रस भी मिलाया है। टमाटर के रस में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाइए और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 25 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। तो इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। क्या आप चेहरे के दाग धब्बों से परेशान हैं? तो आपको एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा से एक चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। आपके सारे दाग धब्बे जल्द ही चले जाएंगे। तो कैसे लगे फ्रेंड्स आपको आज के ये 3 टिप्स? अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकती हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ असरदार टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।